बेलसंड के मधकौल, अभी इस वक्त मौजूद है बेलसंड के मधकौल बांध पर। आप देख सकते हैं कि मधकौल बांध जो बागमती नदी है वह टूट गया है। देख सकते हैं आप किस तरह से जो है आप देख सकते हैं यहाँ की भयावह स्थिति है। आप जहाँ तक देखेंगे वहाँ पानी ही पानी आपको दिखाई देगा। बहुत पानी है कि आप देखिए सीधा तस्वीर वीडियो सीधे मधकौल बांध से आप देख सकते हैं कि कितना तेज रफ्तार से धार चल रही है। पूरा एकदम भयावह स्थिति है यहाँ का नजारा। ओ भैया उधर ना जाइए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं जितेंद्र मुखिया। अपना रूनी सैदपुर में भी पानी आने का संभावना है? जी बिल्कुल, रूनी सैदपुर में भी यह पानी जाने की पूरी संभावना है। बाढ़ का स्थिति अभी पूरी तरह से भयावह है एकदम। आप देख सकते हैं पानी कहां तक पहुंचा है, पानी आगे दूर बेलसंड तक पहुंच गया है। अजीत कुमार, कौन कौन साइड जा सकता है पानी थोड़ा बताइए। रूनी सैदपुर जा सकता है पानी, रूनी सैदपुर बांध के नज़दीक सटे हुए जितना भी एरिया है इस बांध से टच होता है उस सभी गांव में पानी जा सकता है, उस सभी गांव में पानी जा सकता है। आप देख सकते हैं जिस तरह से पानी एकदम करेंट एकदम पूरी रफ्तार में जो है, यह वीडियो देख रहे हैं तो और आगे तक शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं कितना भयावह बाढ़ है, आप जहां तक देखिएगा वहां तक ही ब्रांडे देवल दीपक खड़का मठ के सामने की क्या हाल है, वहाँ पर रिसाव है खड़का मठ के, अभी कोई वहाँ टूटने की कोई संभावना नहीं है खड़का बांध, लेकिन रिसाव है और वहाँ के कुछ लोगों में भय बना हुआ है रिसाव के कारण। देखिए यह पानी जो है आज रात तक रून्नीसैदपुर तक यह पानी पहुँच सकता है, जिस रफ्तार से जो है बांध टूटा हुआ है पानी है, जिस रफ्तार से पानी जो है आगे बढ़ रहा है और बांध कटाव हो रहा है, लगता है रून्नीसैदपुर तक आज
चार पाँच घंटे में वहाँ तक यह पानी पहुँच सकता है। और यहाँ जो है आवाज बहुत कर रहा है पानी का, आप देख सकते हैं कितना पानी जो है, कितना ये सब जो है उसमें बांस वगैरह सब क्या सब तह रहा है इसमें। धनसी का क्या अपडेट है, धनसु की के बारे में जानकारी आपको थोड़े देर में बता दिया जाएगा। कहाँ तक आ गया है, अभी तो चंदौली है और बेलसन के तक ये पानी पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं कितना भयावह है। आप देख सकते हैं परसौनी भी